हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस OJPRD यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो से। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं, वो भी घर बैठे, और किस तरह से आपको अप्लीकेशन को भरना है और किस तरह से RTO में जाकर अपना वेरीफिकेशन कराना है, बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही क्लियर कट हम आपको बताएंगे, जो कि आप 2 मिनट के अंदर आप अपने लाइसेंस को तैयार करवा सकते हैं। तो उसके लिए बने रहिए हमारे साथ OJPRD यूट्यूब चैनल के साथ और दीजिए एक सब्सक्राइब। तो नीचे सब्सक्राइब की बटन है, उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम आपको शो करेंगे कि सबसे पहले अगर आप अपनी वेबसाइट पे जाते हैं, कौन से सारथी परिवहन की वेबसाइट में, तो आप यहाँ पर सबसे पहले DL का जो ऑप्शन आएगा वहाँ पे आप चूज करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना स्टेट चूज करना है। देन उसके बाद सारथी परिवहन में जाने के बाद आपको यहाँ पे देख पाएंगे आप यहाँ पे अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस कुछ लिखी होंगी जो कि आपको ज़रूरत है। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करते हैं तो आपके पूर्व में बना हुआ जो आपका लर्निंग लाइसेंस है उसका आपको नंबर रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे, जो कि आपको यहाँ पे डालना है लर्निंग लाइसेंस नंबर के बॉक्स पे। और यहाँ पे आप देख पाएंगे राइट हैंड साइड कि आपको डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि लर्निंग लाइसेंस नंबर एटलीस्ट आपका 30 दिन का होना चाहिए। 30 दिन के पहले का यहाँ पे लर्निंग लाइसेंस एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब ये समझिए सीधी सी बात कि ये कंपलसरी है कि अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनता है तो उसके लिए आपको 1 महीने का लर्निंग लाइसेंस होना कंपलसरी है, तभी जाकर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। उसके लिए आपको हमने ये मेथड बता दिया कि आपको लर्निंग लाइसेंस बताना है, वहाँ पर डालना है, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। जैसे ही आप डालेंगे तो आपका जो लर्निंग लाइसेंस है उसमें से सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली फैच कर लेगी और वो DL में शो करने लगेगी। जो भी आप ड्राइविंग लाइसेंस में आपका जो शो करेगा वही आपका मेन यहाँ पे क्राइटेरिया रहेगा, जिसको आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिर्फ 1 क्लिक में फॉरवर्ड करना है। ऑटोमेटिकली सारा डेटा आपका यहाँ पे शो करने लगा, प्रेजेंट करने लगा। अब बहुत ही आसान इसमें चीज़ें हैं, RTO ऑफिस आपको चूज़ करना है। केवल RTO ऑफिस चूज़ करने का एक ये बेहतरीन मेथड यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि अब आप ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप कहीं भी स्टेट में हैं तो आप अपने स्टेट में कहीं भी वहाँ पर से किसी भी डिस्ट्रिक्ट से और किसी भी RTO ऑफिस के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से आप कहीं से भी उपलब्ध कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप फॉर द एग्जाम्पल आप मध्य प्रदेश के हैं और मध्य प्रदेश में आप जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं और उसके बाद आप रहते हैं इंदौर डिस्ट्रिक्ट में, तो जरूरी नहीं है कि आप जबलपुर में ही उस चीज को DL को निकलवाएं। आप कहीं भी निकलवा सकते हैं, सिर्फ आपको RTO ऑफिस चूज करना है। वेरिफिकेशन के लिए आपको RTO ऑफिस जाना पड़ेगा और वहां से आपको DL प्राप्त हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे हमने इस एप्लीकेशन को सिर्फ फॉर ओके करके RTO ऑफिस चूज़ करके यहाँ पे ओके कर दिया है और ये अपना फॉर्मेट तैयार हो गया है। देन इस फॉर्मेट को भी आप प्रिंट आउट करके रख लें अपने इन्फॉर्मेशन के लिए, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा जब आप इसको RTO ऑफिस ले जाएंगे वेरीफिकेशन के लिए। वेरीफिकेशन का मतलब स्क्रूटनी के लिए। अब आप देख पाएंगे यहाँ पे हमने यहाँ पे नेक्स्ट किया और नेक्स्ट में जाने के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपका जो एप्लीकेशन है नेक्स्ट फेज पे पहुंच चुका है। नेक्स्ट फेज पे पहुंचने के बाद यहाँ पे बहुत ही आसान तरीका है, यहाँ पे आपको 3 चीज़ यहाँ पे इंडिकेट करेंगी। पहली, जो ऑलरेडी आपकी एप्लीकेशन आपने जो डिटेल फिल कर चुकी है, जो कि आपका लर्निंग लाइसेंस लिया है। अपलोड डॉक्यूमेंट होगा, जो कि आपको डॉक्यूमेंट यूज़ करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट के लिए आप जो भी चीज़ यूज़ करेंगे उसका इस्तेमाल जो आप अपलोड वेरीफिकेशन के लिए करेंगे उसके लिए हम सारा चीज़ आपको अभी यहाँ पे शो करेंगे। उसके बाद आपका रहेगा पेमेंट का। तो पेमेंट के लिए आपको सिंपल सा कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करना है जहां पे आप इजिली पेमेंट कर सकते हैं। अब देखिए, अब आपको यहां पे एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दो चीज़ आपको यहाँ पे शो करनी है। एज प्रूफ के लिए आप ये इन सारे ऑप्शन में से कोई भी ले सकते हैं, जैसा कि हमने आधार कार्ड लिया। इशू डेट मान लीजिए आपको क्लियर नहीं है तो आज की करंट डेट ले लिया आपने। अब फॉर द एग्जांपल आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड में करंट डेट नहीं लिखी होती कब ये इशू हुआ है, तो आप करंट डेट ले सकते हैं वहाँ पे। और अगर आपका अदर कोई सर्टिफिकेट है उसमें अगर इशू डेट लिखा है तो कोई इशू नहीं है, आप उसको डाल सकते हैं। उसके बाद कंफर्म करके फाइल चूज करके अपलोड कर दीजिए एज इट इज़। एड्रेस प्रूफ के लिए आप सेम चीज़ यूज़ कर लिए आधार कार्ड, क्योंकि उसमें एड्रेस मेंशन रहता है और उसमें एड्रेस में आप आधार कार्ड, वोटर कार्ड, आपका स्टेट सेंट्रल इशूड कार्ड, किसी भी तरह का कार्ड चल जाएगा जो कि इसमें प्रूफ में जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें मैच होने चाहिए कि वो कार्ड्स आपके पास हैं और उसके थ्रू आप यहाँ पे वेरिफिकेशन कर रहे हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, ओके करना है, आपको पेमेंट वेरिफिकेशन करना है, पेमेंट मतलब पे करना है। सॉरी,
फी पेमेंट को पूरा करने के बाद आपको यहाँ पे सारी चीज़ को क्या करना है, आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। पेमेंट यहाँ पे आपका एक्जैक्टली जैसे कि LMV लाइट मोटर व्हीकल के लिए, फोर व्हीलर के लिए यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस आपका बन रहा है, तो इजिली आप यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो अमाउंट है वो सारा चीज़ इंडिकेट किए कर दिया गया है कि कितना आपका किस चीज़ के लिए लगा है। उसके बाद आप यहाँ पे कैप्चा डालेंगे, उसके बाद ओके करेंगे, फिर आप यहाँ पे नाउ करेंगे। पे नाउ करने के लिए आप किसी भी तरह का API UPI यूज़ कर सकते हैं, API यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर काफ़ी सारे API दिए हैं, जैसे कि UPI दिया है, इंटरनेट बैंकिंग दिया है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, और भी ढेर सारे यहाँ पे आपको ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मगर अभी आपको यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग दिख रहा है, बट जब अपने आप इंटरफेस से करेंगे तो आपको वहाँ पे सारे ऑप्शंस अवेलेबल मिल जाएंगे जो कि बैंक के थ्रू अवेलेबल होते हैं और जो कि पेमेंट गेटवे सभी चीज़ों में काम करता है। देन उसके बाद आप जैसे ही आप सारी चीज़ को करते हैं तो आपका ये प्रिंट रिसिप्ट आ जाएगा, जो कि आपको रिसिप्ट को प्रिंट करके रख लेना है, जिससे आपको ये कन्फर्मेशन हो सके कि आपने किसके अकाउंट में कितने के रुपए डाले हैं और क्यों डाले हैं। तो आपने RTO के जो ऑफिस है, RTO है मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, उनके अकाउंट में आपने इसको ट्रांसफ़र किया, डिपॉजिट किया है, जो कि 7,774 रुपीज़ यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ है। देन सबसे यहाँ पे मेन चीज़ है, आप इसको भी रिसिप्ट को, पेमेंट रिसिप्ट को यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हैं बहुत ही इजीली आसान तरीकों में, और उसके बाद बहुत ही आसान तरह से आप इसको यहाँ पे इसको सेव करके रख सकते हैं। नाउ अब हम होम में जाएंगे। अब ये कस्टमर साइड से, अभी तक कस्टमर जो कैंडिडेट है वो अप्लीकेशन फिल कर रहा था, उसके तरफ से सारी चीज़ प्रोसेस कम्प्लीट हो गई है। अब ये जो अप्लीकेशन है ये चला गया कहाँ पे, RTO ऑफिस चला गया। अब RTO ऑफिस में ये स्क्रूटनी के लिए गया, मतलब वेरीफिकेशन के लिए गया। किसकी वेरीफिकेशन में, डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के। इतना आपको करना है। इतना करने के बाद अब आपको जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया, फॉर एग्जांपल आधार कार्ड, तो आधार कार्ड लेकर आपको RTO ऑफिस पहुंचना है। अब यहां पर से चालू हुआ है कि RTO ऑफिस के जो वहां पे कैंडिडेट है, जो वर्कर्स हैं, तो वो अब अपने लॉगिन आईडी से अब यहाँ पे लॉगिन कर रहे हैं। अब जैसे फॉर द एग्जांपल उन्होंने अपनी लॉगिन आईडी से यहाँ पे लॉगिन किया। एक्चुअली जो ये वाला ये टेस्ट डेमो अकाउंट है, यहाँ पे आपको किस तरह से काम करता है वो चीज़ हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। देन उसके बाद आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे, आप देखा यहाँ पे टेस्ट डेमो अकाउंट ये डाला और यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे तो ये लॉगिन हो गया, मगर ये आपकी तरफ से नहीं रहेगा, ये रहेगा किसकी तरफ से, ये रहेगा RTO ऑफिस की तरफ से। अब वो आप ढूंढेंगे वो आपके एप्लीकेशंस को, कि जो आपकी तरह कैंडिडेट के थ्रू जो एप्लीकेशन फिल किया गया है, वो यहाँ पे नंबर कॉपी करेंगे, मतलब वो आप वहाँ पे जाएंगे, उनको बताएंगे अपना एप्लीकेशन नंबर या अपना नाम, तो वो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर को लिखकर सर्च करेंगे। जैसे ही वो सर्च करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपका एप्लीकेशन उनके सामने खुल जाएगा। जैसे ही वो क्लिक करेंगे तो आपके आपसे आपसे आपका डॉक्यूमेंट मांगेंगे जो आपने अपलोड किया है, क्योंकि उसी को हम बोलते हैं स्क्रूटनी। स्क्रूटनी का मतलब होता है वेरिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देन उसके बाद वो यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो डॉक्यूमेंट है जो आपने अपलोड किया है वो सही है या गलत है, वो जो भी डॉक्यूमेंट है वो एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। तो आधार कार्ड आपने अपलोड किया, आधार कार्ड उन्होंने देखा, उनको देखा सही आधार कार्ड, दोनों ने उन्होंने ओके कर दिया, सबमिट कर दिया, आपकी स्क्रूटनी हो गई यहाँ पे। अब आपका जो एप्लीकेशन है वो नेक्स्ट कर देंगे, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट कर देंगे, ताकि उससे ये हो जाएगा स्क्रूटनी करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन नेक्स्ट फेज में चला गया। यहाँ पे स्क्रूटनी की बटन दबाएंगे वो, जैसे ही स्क्रूटनी बटन दबाएंगे तो एप्लीकेशन आपका नेक्स्ट फेज पे पहुँच गया। किसके लिए पहुँच गया, सिग्नेचर और के लिए और फोटो के लिए। तो आपको यहाँ पे जैसे ही सिग्नेचर और फोटो के लिए एप्लीकेशन पहुँचेगा तो आपसे वो आपको काउंटर पे ले जाएंगे और वहाँ पे आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर को कैप्चर करेंगे। फोटो और सिग्नेचर कैप्चर करने के लिए आपको वो एक पैड देंगे, डिजिटल पैड देंगे, जिसमें आपको सिग्नेचर करना होगा। तो जैसे ही आप सिग्नेचर करेंगे तो डिजिटल पैड में और जो आप सिग्नेचर करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा। जैसे ही वो कैप्चर होता है बहुत ही आसान तरीके से, फिर वहां पे आप फोटो वो जैसे ही कैप्चर करेंगे तो आपको कैमरे के सामने खड़े करेंगे, स्टार्ट कैमरा करेंगे वो, और उसके बाद आपका जो फोटो है वो आने लगेगा। और जैसे ही आपका फोटो आएगा देन उसके बाद आपका जो फोटो वो कैप्चर करेंगे, उसको फिर क्रॉप करेंगे सही तरीके से कि आपका सही तरह से एक फॉर्मेट आना चाहिए क्रॉप करके। देन उसके बाद अगर वो जैसे ही एडजस्ट कर लेते हैं उस चीज़ को तो एंड क्रॉप कर देंगे। एंड क्रॉप करने के बाद वो उस चीज़ फिक्स हो गई, उसके बाद स्नैप ओके कर देंगे कि इनका स्नैप जो है फिर सही है और क्लियर है, और वो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे ले लेगा। फिर उसके बाद वो सेव कर देंगे, तो मतलब आपकी तरफ से जो एक तरह से जो दो आपके वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गए, एक स्क्रूटनी जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था और आपका फोटो और सिग्नेचर, ये दो हो गए। अब ये लॉग आउट कर देंगे। अब उसके बाद जो RTO के जो मेन अधिकारी होंगे उनके पास ये एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो जाएगा,
तो जब वो उनके पास फॉरवर्ड हो जाएगा एप्लीकेशन, तो जब वो अपना यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे, ये यूज़र नेम पासवर्ड तो ये टेस्ट लॉगिन पासवर्ड है जो कि इस तरह से काम करता है ये। देन उसके बाद आप जैसे ही वो उनके पास जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा, देन वो अपनी तरफ से उस चीज़ों को चेक करेंगे कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो सही है या नहीं है, तब जाके वो डीएल अप्रूव होगा। तो उसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे आपके एप्लीकेशन को क्लिक क्लिक करेंगे और उसके बाद आपका डीएल टेस्ट देखेंगे। सबसे पहले उनका काम ये रहेगा कि आप उस गाड़ी को चला पाते हैं कि नहीं चला पाते हैं, वो सब चीज चेक करेंगे। अगर अगर आप नहीं चला पाते हैं, फेल हो गए हैं आप टेस्ट में, आप नहीं चला पा रहे हैं, तो उसके लिए वो रीज़न देंगे कि आप क्यों नहीं चला पा रहे हैं, आप उस चीज़ को क्यों फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आप चला पाते हैं तो वो आपको पास कर देंगे। जैसे ही अब वो आपको पास करते हैं, पास करने के बाद आपका व्हीकल नंबर लिखेंगे जिससे आपने उनको टेस्ट दिया है, दिखाया है चलाकर कि हाँ मुझसे गाड़ी चलाते बनती है। फिर उसके बाद वो वहाँ पे टेस्ट की डेट लिखेंगे कि किस दिन आपने उनको चला के दिखाया, कन्फर्म करेंगे। देन उसके बाद वो फाइनली वहाँ पे ओके करेंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे। देन उसके बाद आपका एप्लीकेशन फाइनली मेन स्टेज पे पहुंच गया, जहां पे आपका केवल वेरिफिकेशन करेंगे, मतलब वो खुद अपनी तरफ से चेक करेंगे कि आपका एप्लीकेशन आप सही तरह से अप्रूव्ड है कि नहीं है, सही तरह से सारी चीज़ हुई है कि नहीं हुई है, नीचे जितने भी लोग ने आपकी जो स्क्रूटनी की है, जो वेरिफिकेशन किया, वो सही है या नहीं है, और जो आपका फोटो और सिग्नेचर है वो सही है या नहीं है, ये सारा चीज़ वो देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे वो फाइनली लास्ट में वेरीफाई करेंगे कि हाँ ये कैंडिडेट की सारी इन्फॉर्मेशन और सारी चीज़ यहाँ पे जो भी इन्हें इन्फॉर्म किया, पेमेंट किया है और जो एलएल नंबर है इनका, ये सारी चीज़ यहाँ पे सही है, और सभी चीज़ यहाँ पे इनको एक एक करके वो चेक करेंगे, सिग्नेचर, फोटोज, एड्रेस और उसके बाद आपका सभी चीज़। देन उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका सारी चीज़ चेक करने के बाद वो फाइनली लास्ट में चीज़ों को अप्रूव करेंगे। तो जैसे ही जब वो लास्ट में जाके अप्रूव करेंगे आपकी चीज़ों को, तो आपका डीएल जो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है वो क्रिएट हो जाएगा। तो फाइनली जब वो अप्रूव करते हैं उस चीज़ को, तो ये आपका डीएल नंबर क्रिएट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर जो क्रिएट हो गया है। अब हम फाइनल स्टेज को ख़त्म कर चुके हैं, अब इसके बाद ये जाएगा प्रिंट के लिए। तो बहुत ही आसान तरीक़ों से कहा जाए तो जब प्रिंट के लिए जाएगा तो डीएल प्रिंट करना पड़ेगा। डीएल प्रिंट में जाने जाने के बाद यहाँ से आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो प्रिंट होगा, जो जो कि आपको मिलेगा। तो डीएल जब प्रिंट होगा, जैसे ही ये फाइनली वेरीफाइड कर देंगे, तो आपको आपके मैसेज में, आपके ओटीपी के थ्रू आपको मैसेज आएगा कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस तैयार हो गया है, नंबर तैयार हो गया है, और आपके जो साइट से, मतलब जो जिससे आपने लॉगिन किया था या जो कैंडिडेट फिल किया था, उसी लॉगिन में जाकर वहाँ से भी आपको उसका प्रिंट उपलब्ध हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे हमने चूज किया वही नंबर, एप्लीकेशन नंबर, प्रिंट सिलेक्टेड किया हमने और यहाँ पे उस चीज़ को हमने प्रोसीड किया। देन प्रोसीड करने के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे, जैसे ही हम प्रोसीड करेंगे तो जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो डिजिटल फॉर्मेट में आपका तैयार हो जाएगा। तो जैसे ही पूरा डिजिटल फॉर्मेट में तैयार हो जाएगा आपका, आप इसको जाके फोटो कॉपी करवा के, कलर फोटो कॉपी करा के लैमिनेशन करा सकते हैं, या फिर पीवीसी कार्ड में इस चीज़ को आप फ्लोट कर सकते हैं। तो आपको ये सारा प्रोसेस जो रहा है वो ड्राइविंग लाइसेंस का है, जो कि आपको बेहद पसंद आया होगा, क्योंकि मैं लगातार आपको इसी तरह से अपडेट देता रहता हूँ और आप लोग के साथ बना रहता हूँ। तो इसी तरह से आप देखते रहिए मेरे इस उजे पीआरडी यूट्यूब चैनल को, और करते रहिए सब्सक्राइब हमारे चैनल को, लाइक, और किसी भी तरह की यार कोई क्वारी या कमेंट लगती है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर जरूर लिखें, नीचे कमेंट में जरूर लिखें, ताकि मैं आपको आपके जवाब का आंसर दे पाऊँ। तो इसी तरह से मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और कोई नई चर्चाओं के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल।